मैंने देखा भोला 3D में। तो आप लोगों को पहले ये बता दे कि ये कैथी का ऑफिशियल रिमेक है, तो कितना बेहतरीन है कैथी से या कितना खराब है, करेंगे बात इस वीडियो में। तो अगर आपने मेरे तरह कैथी देखा हुआ है तो आपको क्या एक्सपीरियंस देगा, अगर आपने कैथी नहीं देखा है तो आपके लिए कैसा होगा मूवी, तो बेहतरीन रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने कैथी देखा होगा तो आपको बेसिक प्लॉट बेसिक स्टोरी पता ही होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आपके लिए कुछ बेस बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग मूवी से कनेक्ट कर पाओगे। कहानी में भोला नामक एक व्यक्ति होते हैं यानी कि अजय देवगन, जो कि 10 साल से सजा काट रहे होते हैं, और इस रात वो अपनी बेटी से मिलने जाते हैं। उसकी बेटी को ये नहीं पता होता है कि उनका कोई बाप भी है और उनसे कौन मिलने आ रहा है। तो इसके आगे कुछ बताएंगे नहीं क्योंकि फिर स्पॉइलर होगा और मैं स्पॉइलर देता हूँ नहीं। जैसा कि ये मूवी पूरा मास एंटरटेनर मूवी है और मास ऑडियंस को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें एक्शन बेहतरीन लेवल पे डाला गया है। तो मैंने 3D में देखा तो वो एक्शन झलक के आती है, पूरा आपको एक्सपीरियंस कराएगी। आपको एक्शन में ऐसा कहीं भी फील नहीं होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की माँ बहन कर दिया है बाकी मूवी की तरह। हर एक्शन जेन्युइन है, कैमरा एंगल बेहतरीन है भाई। जिसने भी इसका एक्शन कोरियोग्राफ किया है उसको शाबाशी तो देना पड़ेगा। देखा जाए तो ये एक रीमेक है लेकिन इसमें बहुत सारे स्टोरी को चेंज किया गया, कुछ एलिमेंट डाला गया जो कि आपको रिफ्रेशमेंट फील कराएगा। कायदे से कोई रीमेक बने तो ऐसा ही बनना चाहिए, पहले तो बनना ही नहीं चाहिए, अगर बन रहा है तो ऐसा ही बनना चाहिए जो आपको फुल इंटरटेन करेगी, आपको जरा से बोर नहीं करेगी। मैंने पर्सनली हर फ्रेम हर मिनट इसको एंजॉय करके देखा हूँ। अगर आपने कैथी देखी हुई है तो आपको इंटरटेन करेगी क्योंकि हूबहू कॉपी पेस्ट नहीं है। और आप लोग मास एंटरटेनर ऑडियंस है, आपको मास मसाला मूवी पसंद है तो आपके लिए ये मूवी बनी है, तो डेफिनेटली जाओ और देखो। अगर आपने कैथी नहीं देखा है तो आपके लिए तो मस्ट वॉच है। कुछ इसमें बिग पॉइंट भी है जो कि इग्नोर ही करे तो सही रहेगा, बाकी ओवरऑल बहुत मस्त मूवी है। इसमें भोला का बैक स्टोरी भी थोड़ा दिखाया, थोड़ा लव स्टोरी भी दिखाया गया है जो कि काम करती है। सभी का परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच लेवल की है। अजय और तब्बू की केमिस्ट्री तो जिस मूवी में आती है वो सुपर डुपर हिट तो जाती है, तो ये भी मूवी डेफिनेटली सुपर डुपर हिट जाने वाली है ऐसा मुझे लगता है। बाकी अब धीरे धीरे देखेंगे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे आखिर क्या चल रही है मूवी का। और ये भी देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं मैं कि इसका आगे सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का बात चल रहा है तो उसको किस तरह से एक्सटेंड किया जाएगा। तो आप लोग कितना एक्साइटेड है इस मूवी के लिए, अगर आपने मूवी देखी तो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर नहीं देखी तो क्या देखने जाओगे या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।